व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे होली के लिए स्पेशल दही बल्ले। दही बल्ले बनाने के लिए ये हमने लिए एक कटोरी उड़द की धुली हुई दाल। जो उड़द की दाल होती है ना, एक छिलके वाली होती है, तो ये धुली हुई दाल ली है। और आधी कटोरी हमने मूंग की दाल ली है धुली हुई। तो हमने ये ऐसे मेजरमेंट करना है कि एक कटोरी उड़द की दाल होनी चाहिए और आधी कटोरी मूंग की दाल होनी चाहिए धुली हुई। तो अब हम इसको अच्छी तरह धो के और 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे अच्छी तरह, जो हमारी ये दाल है बहुत अच्छे से फूल जाए। तो चलिए हम इसको धो के 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, 2 घंटे बाद हमने अपनी दाल को पानी में से निकाल दिया। देखिए कितनी अच्छी भीगी है हमारी दाल। ये देखिए, हम जब इसको ऐसे करके तोड़ेंगे नाखून से, तो ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है और पानी नहीं डालना हमें इसमें बिल्कुल भी। तो ये हमने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम जो हमने दाल भिगो के रखी हुई थी। पानी सिर्फ हमें, अगर आपको ज़रूरत है तो इसमें 1 या 2 ही चम्मच पानी डालिए। और ये थोड़ी सी अदरक 1 इंच टुकड़ा, और ये मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट ली थी, ये भी इसमें डाल देंगे और मिक्सी में अच्छी तरह पीस लेंगे। इससे जो है हमारे अदरक और हरी मिर्च से हमारे जो भल्ले बनेंगे उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी से पीस गई है। ये देखिए, हमें इसे इसी तरह रखना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, और थोड़ी सी हींग, इससे हमारे दही बल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हमारा काम है इस दाल को फेंटना। जितना हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे उतना हमारी जो दही बल्ले हैं बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो हमारा रोल है अब इसको इस तरह एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह फेंटना। तो अब हम इसको अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अब हमें इस दाल को इसी तरह हमें कम से कम 15 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। इससे हमारी जो दाल है, जो ये पेस्ट है, बहुत ही अच्छा और एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो ये फ्लप होके बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा और बहुत ही अच्छे दही बल्ले बनेंगे। तो चलिए हम इसे 15 मिनट तक इस तरह फेंट लेते हैं अच्छी तरह। तो ये देखिए, हमने दाल को फेंट लिया है अच्छी तरह। देखिए कितनी अच्छी वो हुई है और फ्लप हो गया है कितनी अच्छी तरह। अब हमारे जो दही बल्ले हैं ना, बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसके दही बल्ले बनाने से पहले हम दही बल्ले का जो पानी तैयार करते हैं वो कर लेंगे। तो ये हमने एक बाउल में 2 कप पानी ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हींग। जो हम अपने दही बल्ले बनाएंगे तो वो डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसको अच्छा सा मिला लेंगे हम, ताकि जो हमारा हींग और नमक है दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे एक साइड में और हम बनाएंगे अपने दही बल्ले। तो चलिए कैसे बनते हैं आपको बताती हूँ। हमने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए पहले ही, तो हमारा जो रिफाइंड है या तेल, वो अच्छी तरह गर्म हो गया है। चाहे आप तेल लीजिए, जिसमें भी आप पसंद करते हैं, आप उसी चीज़ में अपना फ्राई कीजिए इसको। तो ये हमारा हल्का हल्का गर्म हो गया है। हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ताकि जो हमारे दही बल्ले हैं बहुत ही अच्छे कलर के सिक के तैयार हों। अब हमने ये एक कटोरी में पानी ले लिया है। अपने हाथों को थोड़ा सा इस तरह भिगोएंगे और इसमें से थोड़ा सा ये पेस्ट लेंगे और फिर ऐसे अपने कढ़ाई में, ये देखिए हमारे दही बल्ले कितने अच्छे बने हैं। हम इसी तरह फिर दोबारा पानी में करके हाथ को फिर अपना पेस्ट लेंगे, फिर इसमें डालेंगे। ऐसे करने से जो हमारे दही बल्ले हैं वो आसानी से अपने आप हाथों में से हटते रहेंगे, वो चिपकेंगे नहीं। तो हमें अपने सारे दही बल्ले इसी तरह तैयार करने हैं। तो ये देखिए हमारे दही बल्ले कितने अच्छी तरह सिक रहे हैं। अब हम इनको, ये हमारे दही बल्ले इतने फ्लफी हैं कि ये अपने आप भी पलट जाएंगे। और अगर
कोई ऐसा है कि नहीं पलट पा रहा तो आप अपने हाथ से हल्का सा इसको ऐसे इस तरह पलट दीजिए, तो देखिए कितने अच्छे दही बल्ले बन रहे हैं हमारे। तो मैं आपको अपने चमचे से भी बनाना सिखाऊंगी, जिससे हाथ से नहीं बनाना चाहता तो वो कैसे डालते हैं चमचे से, तो इस तरह भी सिखाऊंगी। तो देखिए हमारे दही बल्ले कितने अच्छे बन रहे हैं। अब हम इनको हल्का सा गोल्डन कलर का होने देंगे। तो चलिए, तो ये देखिए हमारे दही बल्ले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने सभी दही बल्लों को फ्राई कर लेंगे। पर हाँ, आपको मैं एक बार चमचे से डालना दिखाती हूँ कि कैसे डालते हैं। तो चलिए डाल के दिखाते हैं। ये देखिए जिस तरह हमने अपने हाथ को भिगोया था, इसी तरह पहले हम थोड़ा सा चमचे को पानी में वो कर लेंगे और फिर ये अपना पेस्ट लेंगे इसके अंदर। और ये देखिए इस तरह ये डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डला है। इसी तरह हम चमचे को पहले फिर दोबारा पानी में डाल के फिर दूसरा डालेंगे। ये देखिए बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप बड़े बड़े डालिए। तो ये देखिए इसी तरह हम अपने सभी दही बल्लों को डाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे सभी दही बल्ले तैयार हो गए हैं। अब हम इन दही बल्लों को इस पानी में डाल देंगे जो हमने नमक का और हींग का बना कर रखा था। तो अपने सभी दही बल्लों को इसमें डाल देंगे और अब हम इसको इसमें भीगने देंगे। जब हमें दही बल्ले खाने हैं तो जब हम इनको बनाएंगे, देखिए गाइस कितने बड़े बड़े दही बल्ले हो गए हैं हमारे पानी में डालने के बाद। तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। ये हमने एक प्लेट ले ली है और ये दही बल्लों को हम ऐसे करके इनमें से सारा पानी हम निकाल देंगे। ये देखिए कितना बड़ा दही बल्ला है हमारा और हम इसको दही में डाल देंगे। जितने आपको लगाने हैं एक प्लेट में, तो मैं इसमें दो दही बल्ले लगाऊंगी। वैसे तो देखिए एक ही दही बल्ला बहुत है इस प्लेट में, तो इसी तरह हम दूसरा दही बल्ला भी लगा लेंगे। उसको भी ऐसे ही निचोड़ के अच्छी तरह पानी सारा निकाल के और दही में डाल के और दूसरे को भी हम इसी प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इसको चम्मच से हम ऐसे कर देंगे ताकि जो अंदर तक की हमारी इसमें दही है वो अंदर तक चली जाए। और इसके ऊपर थोड़ी सी दही और डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, अच्छे से डालेंगे। ये मैंने पहले ही बना के रखी हुई थी घर में। इसकी रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ग्रीन चटनी की भी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी। इसके ऊपर थोड़ी सी दही और डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब इस पर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला अपना, थोड़ा सा सिंपल जो नमक होता है वो वाला नमक, और थोड़ी सी डालेंगे इसके ऊपर काली मिर्च, थोड़ी सी इसके ऊपर काली मिर्च। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दही बल्ले देखने में। और फिर इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी और मीठी चटनी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, और ये मैंने थोड़ी सी जो भुजिया होती है या सेव जो होते हैं वो आप ले सकते हैं नमकीन वाले, और थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह डेकोरेट कर देंगे। थोड़ा सा अनारदाने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। मैंने ये भुजिया नमकीन डाली है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।